अब जैसा क्वेश्चन है कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर्स। अभी मतलब पहले 40 प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालें। तो पहले 40 प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालने के लिए हमें फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर्स के सम निकालने पड़ेंगे। पहले 40 प्राकृतिक संख्याओं का जो योग है वो निकालना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई 40। अब हम जानते हैं या पढ़े हुए हैं कि सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर नंबर इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। अभी हमने बताया कि औसत निकालने के लिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सबसे पहले तो हमें इस फॉर्मूला को याद रखना है कि सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले हम निकालेंगे सम ऑफ फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर। नंबर्स इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। तो सम ऑफ फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर्स 40 इंटू 41 डिवाइडेड बाई टू, ये हो जाएगा एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। तो 40 इंटू 41 डिवाइडेड बाई टू 20, मतलब कितना हो गया 820, ये हो गया। तो सम ऑफ फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर से हो गया 820, और एवरेज क्या हो जाएगा, अब हम एवरेज निकाल देंगे। एवरेज निकालेंगे तो 820 मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 40। ट्वेंटी पॉइंट फाइव, यही आंसर हो गया। फिर एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये सारे बैंकिंग है और एसएससी के एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं, और फिर नेक्स्ट डे नेक्स्ट एपिसोड में ये सारे क्वेश्चंस का मैं प्रैक्टिस करा दूंगा। फिर एक क्वेश्चन है कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 मल्टीपल ऑफ 7, मतलब 7 के पहले 20 मल्टीपल का आप एवरेज निकालिए। तो 7 के पहले 20 मल्टीपल का एवरेज निकालने के लिए सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि 7 के मल्टीपल पहले 20 मल्टीपल क्या क्या हो जाएंगे। तो मल्टीपल ऑफ 7 फर्स्ट 20 मल्टीपल ऑफ 7, ये समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, क्या हो जाएंगे 7, 14, 21, 28, 35 अप टू 140 तक हो जाएगा 7 का जो पहला 20 मल्टीपल होगा। अब इसका हमें सम निकालना है, सम ऑफ दिस डिवाइडेड बाय 20, ये इसका एवरेज हो गया। तो जब हम एवरेज निकालेंगे इसका तो रिक्वायर्ड एवरेज कैसे निकालेंगे, 7 प्लस 14 प्लस 21 प्लस 28 प्लस अप टू प्लस 140 डिवाइडेड बाय कितने का है, 20 मल्टीपल का है, तो डिवाइडेड बाय 20। अब चूंकि 7, 14, 21, 28, 35, 42, 140 तक इसको सम करना बहुत ही लेंदी प्रोसेस है, बड़ा प्रोसेस है,
तो इसको हम क्या कर देंगे, अगर हम यहाँ पे 7 को कॉमन निकाल लेते हैं तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस अप टू प्लस 20 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 20। 7 का 1 से 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 20 ऐसे करते करते 20 तक हो जाएगा। अब 20 तक हो जाएगा तो अभी मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या बताया कि सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, तो सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर अगर आप करते हैं तो क्या होता है, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, पहले एन नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे तो ये नेचुरल नंबर हो गया 1 2 3 4 20 तक, तो सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, ट्वेंटी इंटू 21 बाई टू, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, ये हो जाएगा आपका 10, मतलब 21 और 10, 21 इंटू 10 210, ये हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 7 इंटू 210 बाई 20, 7 इंटू 210 बाई 20 मतलब ये जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 147 बाई 2, ये 210 क्या हो गया, 210 एक से लेके 20 तक का सम हो गया इस फॉर्मूला से, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, तो 20 इंटू 21 बाई 2, 210, तो 147 बाई 2 हो गया, मतलब 73.5 ये सम ऑफ एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 मल्टीपल ऑफ 7। तो 7 का इसी तरह से अगर 8 का मल्टीपल दे दे, 5 का मल्टीपल दे दे, 6 का मल्टीपल दे दे, तो आप इसको बना सकते हैं। और ये क्वेश्चन जो है, इस टाइप के क्वेश्चन बैंक रिक्रूटमेंट और एसएससी वगैरह में पूछे जाते हैं।